खबर गौरेला पिंडरा मरवाही से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के नवगठित जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के छोटे से गांव कुदरी के सरपंच के द्वारा वृद्ध माताओं को सम्मान किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे माँ और बाबूजी का जो सपना रहा कि सभी ग्रामवासियों का सम्मान कर सकूं, उसी सम्मान के लिए अपने माँ बाबूजी के पुण्यतिथि के अवसर पर बुजुर्ग माताओं का सम्मान करते हुए उनके साथ कुछ पल बिताया हूं। अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास मैंने किया है। मेरे द्वारा वृद्ध माताओं को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि उन सभी भाई बहन से विनम्र प्रार्थना है कि जो बेटा जीते जी अपने माँ बाप का कद्र नहीं करते, वो कभी खुश नहीं रहते, ना ही उनके घर में कभी शांति होती है। हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हैं, वही व्यवहार हमें अपने बच्चों से भी मिलता है। आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है आज, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहले मैं ही कहूँगा, अपन माता पिता के चरणों को मैं नमन वंदन करता हूँ। और ओखर मुख्य उद्देश्य यह है कि आज के स्थिति में ये गांव में, हर गांव की बात कहा जाऊँ कि आजकल देखते हैं तब बेटा अपन माँ बाप को बहुत विस्कार करते हैं, तो ओखर भाव मोर यही जैसे यहाँ पर पहुँच जाए कि अपन माँ बाप के पुण्यतिथि के अवसर पर उन माँ बाप ला सम्मानित करो, जेखर माध्यम से उन हर मोर युवा साथी और हर बेटा अपन माँ के इज्जत मान सम्मान करें। वही भाव लेकर के मैं आज अपन स्वर्गीय श्री रतन सिंह मराबी और स्वर्गीय श्रीमती श्यामबाई मराबी के पुण्यतिथि के अवसर में वृद्ध माता सम्मान दिवस मना के सभी माता मंडलों में सम्मान करे हूँ। और वो हर युवक तक मैं वह संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, जेखर माध्यम से आज तक हम आज देखे आदमी सब कोई कि हर माँ के तिरस्कार होते हैं, घर से बेघर हो जाए, देखा अंतिम समय में सहारा के जरूरत होता है, वो बेसहारा हो जाते हैं। तो मोर यही उद्देश्य रहे कि हर बेटा को एक वही संदेश मिले जो एक माता पिता के प्रति बेटा के का कर्तव्य बनते हैं। गौरेला पिंडा मरवाही से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।